इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फायरिंग की वारदात सामने आई है। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में हिंसक झड़प हुई है। सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप है। पूर्व छात्र नेता पर हमले के बाद उग्र हुए छात्र, कैंपस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना भी देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग की घटना देखने को मिली है और इस घटना के बाद काफ़ी हंगामा, काफ़ी बवाल वहां पर देखने को मिला है। झड़प हुई थी जिसके बाद ये विवाद और ज़्यादा बड़ा हुआ और जिसके बाद फायरिंग की घटना देखने को मिली, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फायरिंग की घटना के बाद तनाव का माहौल अब भी वहां पर बना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर इस हंगामे के बाद बाइक को भी जला दिया गया है, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फायरिंग की घटना जिसके बाद आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ छात्रों द्वारा, ये तस्वीरें देखिए। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं छात्र संघ भवन के पास में, यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है, इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले कई महीनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर छात्र यहाँ पर अनशन पर थे। आज यहाँ पर विवेकानंद पाठक, पूर्व यहाँ के जो छात्र नेता है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर छात्रों के बीच और यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनके बीच झड़प हुई थी। क्या घटना हुई थी, कहाँ गए? देखिए, मामला यह था कि विवेकानंद पाठक जी बैंक में काम कराने आए थे, परंतु गार्ड में कहा नहीं, पुलिस आके मामला शांत करा दी। कुछ देर बाद यहाँ पे बैठे हुए आपस में बातचीत करे दो विवेकानंद पाठक और कुछ नेता, अजीत विधायक जी और तमाम थे। हम मिठाई लेने गए थे कि तमाम लोगों को मिठाई, सब सीनियर थे, मिठाई खिला। पर उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि गार्ड पीछे से राड लेके 12-13 गार्ड आते हैं, 40 गार्ड एक संख्या में आते हैं, सिर में मारते हैं, सिर पर जाता है। कहाँ गोली चली थी? ये देखिए, यहीं पे गोली चली हमारे हाथ को लेकर। देखिए देखिए, लोहे से मारा गया है। और ये सुन लीजिए, आपके प्रोक्टोरियल बोर्ड 2 मिनट पहले, अगर हर्ष कुमार और उसके गिरफ्तारी नहीं होती सुरक्षा अधिकारी को, तो कल पूरा शहर जला दिया जाएगा। जिला मुख्यालय, इन छात्रों की ये मांग है कि अगर यहाँ पर जो आरोपी था, जिस छात्र को जिसने मारा है, वो अगर गिरफ्तार नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये छात्र आंदोलन के लिए बात होंगे। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।